है यहाँ से नीचे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो पार्क है ये पूरा पहाड़ में है, तो यहाँ पे ये पहाड़ है, तो हमारे जबलपुर में आपको पहाड़ में मिल जाएंगे। वो जो हॉस्टल है वो पहाड़ में बना हुआ है। हाँ, नीचे से आए हैं हम, ये अब हमें जाना है यहाँ ऊपर। तो आज हम जा रहे हैं पार्क बच्चों को लेकर, ताकि ये थोड़े से इंजॉय करें। तो यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि प्रेशा को चाहिए लॉलीपॉप, चिप्स, और काश्वी को क्या चाहिए? हाँ, लॉलीपॉप। दोनों को लॉलीपॉप चाहिए। दोनों में 4 महीने का सिर्फ फ़र्क है। काश्वी 4 महीने बड़ी है और प्रेशा 4 महीने छोटी। ये हमारे घर के सामने का दुकान है, तो यहाँ से लेते हुए हम फिर अब जाएंगे पार्क की तरफ में। हाँ, तो और को लिया डिटेलियन हमने वहाँ से ले लिया, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल में। अभी टाइम हो रहा है 4, हम पहुँच गए शारदा नगर पार्क। ये हमारे घर के सामने में ही पार्क है, तो ये इतना सुंदर से सजाया हुआ है, फूल पूरे लगे हुए हैं, और ठंडे के मौसम में बहुत अच्छे फूल उग भी जाते हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर में दिखाती हूँ कि किस तरह का है। यहाँ से एंटर कर रहे हैं, बड़ी गेट है और ये छोटी गेट है, और ये काश्वी आगे आगे जा रही है मेरे। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, जो जबलपुर के रहने वाले हैं वो यहाँ आ सकते हैं, रांझी साइड में है, बहुत ही सुंदर है। हेरो यो शार्क, मम्मी पापा शार्क, देखो नो डायनासोर। चलो चलो। तो ये जैसे पत्थर है इसमें भी नक्काशी की गई है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चरें बनाई गई हैं, और ये पूरे पार्क में भरी पड़ी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से पूरे पार्क में है। तो ये सिर्फ ये पार्क में नहीं बनाई गई है, जबलपुर में रहती हूँ मैं, तो जबलपुर MP में है, और मतलब आप जबलपुर आएंगे तो यहाँ पर आपको पत्थरें, हिल स्टेशन के साथ साथ नदियाँ भी मिलेंगी। तो मुझे पता नहीं था कि ये पार्क इतनी सुंदर है। यहाँ पर मतलब फ़र्स्ट टाइम आए हैं, मामी लेके आई है, और मामी बोल भी रही थी कि बहुत ही सुंदर पार्क है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, और ये पार्क देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, घर के सामने है इतने सालों से, पर हमें पता नहीं था। तो ये आज आई हूँ तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं वो देख कर तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, यहाँ की पेंटिंग देख कर मन इतना खुश हो गया है ना। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और देख के यहाँ की पेंटिंग मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मैं बार बार यहाँ पर आऊँगी, जब मौका मिलेगा मैं तभी आऊँगी यहाँ पर। अद्भुत पेंटिंग है, मतलब मैं सिर्फ पेंटिंग देखते हुए जा रही हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ। ये बहुत सुंदर बनाया गया यार, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, पर ये बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पे ये मोटू पतलू है, मिकी माउस है, हॉर्स है, वहाँ पे गाय है, हिरन है, बैल है। तो ये पूरे बाउंड्री पे बनी हुई है, वहाँ तक आपको दिखाती हूँ, वो जो कोना है वहाँ तक पूरा बना हुआ है। तो ये पार्क बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे है थोड़े से झूले। हाँ, नीचे से आए हैं हम, ये पार्क जो है पहाड़ में बना हुआ है, ये अब हमें जाना है यहाँ ऊपर। अब प्रीशा सो गई है तो रोनू की हालत ख़राब हो रही है, उसको गोदी में लेके यहाँ पहाड़ में चढ़ना। ये विष्णु यहाँ पे झूल रही है। अच्छा, खोले रही झूलो ना, बांध दी, खोले दिए ते तो खोले बांध दिए तेस्मा तेस्मा। तो मामी और विष्णु अब जा रहे हैं इसमें अप एंड डाउन में। बचपन की यादें। वो ये बहुत पतली है, पर ओ माय गॉड क्या है। पैर रखने पर नहीं चाहिए ना। तो पैर रखने वाला भी नहीं है इसमें, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। ला तो ये लोग यहाँ खेल रहे हैं, ये यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अच्छा, अरे ये अच्छा है, पर बच्चों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जिम भी बना हुआ है, छोटा सा जिम, और ये ऊपर में पार्क बनी हुई है। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े बेल लगे हुए हैं। अब मामी आ गई है अपने बचपन वाले मूड में। हाँ माइजू, ढूंढने हो तपाई कहाँ माथी अच्छे अच्छे है। हम यहाँ पे लेके आए थे चिप्स, खा रहे चिप्स, नहीं मैं झूल देना। प्रिशा झूल, प्रिशा खा रही है, हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं, मामी वहाँ झूल रही है, ये काश्वी। काश्वी मजे है शाम के टाइम में, यहाँ पे आके बैठ जाओ और एंजॉय करो बच्चों के साथ में। इसके पापा को मैंने बोला वहाँ जिम है घर के सामने में, घर के सामने।
तो ये बच्चे लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, इतने मस्त ये लोग किले पार्क। तुम लोग यहीं के रहने वाले हो? नहीं। फिर हॉस्टल? यहाँ हॉस्टल? अच्छा यहाँ हॉस्टल में रहते हो? कौन से क्लास में हो? हाँ सिक्स में हो। अच्छा और तुम लोग? तो वहाँ धूप थी, वहाँ पे गर्मी लग रही थी, और अब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे ठंड लग रही है। आप लोग देखो यहाँ पे ये पहाड़ है, ये वो जो हॉस्टल है वो पहाड़ में बना हुआ है। मैं अभी उस तरफ जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये पत्थरें हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पर, और मामी यहाँ पर फिर से एक्सरसाइज में लग गई हैं। तो ये है तो एक्सरसाइज का, बट यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं, जैसे ये लोग और ये यहाँ पे लोग। ये सारे बच्चे मेरे ख्याल से इस हॉस्टल के ही है, घुटना का एक्सरसाइज है। ये है हॉस्टल जहाँ पे वो जो बच्चे थे वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये यहाँ पे स्टेज जैसे बनाया हुआ है, और यहाँ पे खाली पैर चलने के लिए भी बनाया हुआ है। हम मामी वहाँ पे पोज देती हुई। हाँ मेरे बच्चा, ये भी बच्चा मेरा, हाँ ये योगा करने के लिए बहुत अच्छा है, वही ना मामी लगी है तो योगा करने के लिए। मामी एक्सरसाइज कर रही है। आज ही सारा हो जाओगे। देखो ये इतनी छोटी सी बच्ची, इसको भी करना है एक्सरसाइज। देखो उसको इतने क्यूट लग रहे हैं, बाप रे। हम आए थे 4:30 बजे और अभी 5:30 हो गई है। ये बेर है, बेर के पेड़ बहुत है इस पार्क में। कौन सा फूल है ये? बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। रात रानी नहीं है ये, कुछ और ही है। आना है यहाँ से नीचे, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो पार्क है ये पूरा पहाड़ में है, तो अब हमको यहाँ से नीचे उतरना है। तो जबलपुर बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ पे मतलब आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे, नदियाँ भी दिख जाएंगी। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं, ये घर के पास में ऐसा पार्क बना हुआ है। तो बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ आकर, और अब हम घर जा रहे हैं वापस। इस ये पार्क को बने हुए 2-3 महीने हुए हैं, पहले पूरा जंगल था। तो ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से पूरा जंगल था। इसको यहाँ पे रास्ता काट काट के बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता इस तरफ है, हमको इस तरफ से जाना है। ये जो है आगे की तरफ चला जाएगा, यहाँ से फिर ये ऊपर गया है, पता नहीं अब यहाँ ऊपर जाके कैसा है। तो हमें यहाँ से कच्चे रास्ते से ही जाना होगा, क्योंकि मेन रास्ता जो था वो यहाँ पे था। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारी औरतें यहाँ पे हैं, तो सब घूम फिर कर अब घर जा रहे हैं, क्योंकि अब खाना बनाना होगा। ये है अब यहाँ से बाहर, और अब जा रहे हैं हम घर। तो हम पार्क से आ गए हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बनी हुई चाय मैं पी रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये मतलब कुछ भी चीज़ बना ले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो ये है हमारा सोफ़ा जो कि टूट गया था। तो पहले इस सोफ़े में स्प्रिंग लगा हुआ था जो टूट गया, तो भैया इस बार क्या कर रहे हैं, प्लाईवुड लगा दे रहे हैं और सिर्फ स्पंज का बना दे रहे हैं। ये सोफ़ा रेडीमेड सोफ़ा है, और शागुन के नाम पर सिर्फ बाहर में जो दिखता है वही लगाया गया था लकड़ी, और अंदर पे बहुत ही लो क्वालिटी की लकड़ी लगाई गई थी। तो ये भैया अभी सब ठीक कर दे रहे हैं, और सोफ़ा जो है वो अच्छे से बना दे रहे हैं।